मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। दीपावली के छह दिन बाद मनाए जाने वाला महापर्व छठ हमारे देश में सबसे अधिक नियम निष्ठा के साथ मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, जिसमें खान पान से लेकर वेशभूषा तक हर बात में पारंपरिक नियमों का पालन किया जाता है। छठ पूजा का अनुपम पर्व प्रकृति से और प्रकृति की उपासना से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। सूर्य और जल महापर्व छठ की उपासना के केंद्र में है, तो बांस और मिट्टी से बने बर्तन और कंदमूल इनकी पूजन विधि से जुड़ी अभिन्न सामग्रियां हैं। आस्था के इस महापर्व में उगते सूर्य की उपासना और डूबते सूर्य की पूजा का संदेश अद्वितीय संस्कार से परिपूर्ण है। दुनिया तो उगने वालों को पूजने में लगी रहती है, लेकिन छठ पूजा हमें उनकी आराधना करने का भी संस्कार देती है जिनका डूबना भी प्रायः निश्चित है। हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व की अभिव्यक्ति भी इस त्यौहार में समाई हुई है। छठ से पहले पूरे घर की सफाई, साथ ही नदी, तालाब, पोखर के किनारे, पूजा स्थल यानी घाटों की भी सफाई पुरजोश सब लोग जुड़ करके करते हैं। सूर्य वंदना या छठ पूजा पर्यावरण संरक्षण, रोग निवारण व अनुशासन का पर्व है। सामान्य रूप से लोग कुछ मांगकर लेने को हीन भाव समझते हैं, लेकिन छठ पूजा में सुबह के अर्ध के बाद प्रसाद मांगकर खाने की एक विशेष परंपरा रही है। प्रसाद मांगने की इस परंपरा के पीछे यह मान्यता भी बताई जाती है कि इससे अहंकार नष्ट होता है, एक ऐसी भावना जो व्यक्ति की प्रगति के राह में बाधक बन जाती है। भारत की इस महान परंपरा के प्रति हर किसी को गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात की सराहना भी होती रही है, आलोचना भी होती रही है, लेकिन जब कभी मैं मन की बात के प्रभाव की ओर देखता हूँ तो मेरा विश्वास दृढ़ हो जाता है कि इस देश के जनमानस के साथ मन की बात शत प्रतिशत अटूट रिश्ते से बन चुकी है। खादी और हैंडलूम का ही उदाहरण ले लीजिए। गांधी जयंती पर मैं हमेशा हैंडलूम के लिए, खादी के लिए वकालत करता रहता हूँ, और उसका परिणाम क्या है आपको भी ये जानकर के खुशी होगी। मुझे बताया गया कि इस महीने 17 अक्टूबर को धनतेरस के दिन दिल्ली के खादी ग्रामोद्योग भवन स्टोर में लगभग 1,20,00,000 रुपये की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। खादी और हैंडलूम का एक ही स्टोर पे इतना बड़ा बिक्री होना, ये सुनकर के आपको भी आनंद हुआ होगा, संतोष हुआ होगा। दिवाली के दौरान खादी गिफ्ट कूपन की बिक्री में करीब करीब 680% की वृद्धि दर्ज की गई। खादी और हैंडीक्राफ्ट की कुल बिक्री में भी पिछले वर्ष से इस वर्ष करीब करीब 90% वृद्धि देखने को मिली है। यह दिखता है कि आज युवा, बड़े, बूढ़े, महिलाएं, हर आयु वर्ग के लोग खादी और हैंडलूम को पसंद कर रहे हैं। मैं कल्पना कर सकता हूं कि इससे कितने बुनकर परिवारों को, गरीब परिवारों को, हथकरघा पर काम करने वाले परिवारों को कितना लाभ मिला होगा। पहले खादी खादी फॉर नेशन था, और हमने खादी फॉर फैशन की बात कही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं अनुभव से कह सकता हूं कि खादी फॉर नेशन और खादी फॉर फैशन के बाद अब खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की जगह ले रहा है। खादी गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में, हैंडलूम गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हुए उन्हें सशक्त बनाने का शक्तिशाली साधन बनकर के उभर रहा है। ग्रामोदय के लिए ये बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। श्रीमान राजन भट्ट ने नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखा है कि
वो सुरक्षा बलों के साथ मेरे दिवाली एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं और वे यह भी जानना चाहते हैं कि हमारे सुरक्षा बल कैसे दिवाली मनाते हैं। श्रीमान तेजस गायकवाड़ ने भी नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखा है, क्या हमारे घर की भी मिठाई सुरक्षा बलों तक पहुंचाने का प्रबंध हो सकता है क्या? हमें भी हमारे वीर सुरक्षा बलों की याद आती है, हमें भी लगता है कि हमारे घर की मिठाई देश के जवानों तक पहुंचनी चाहिए। दीपावली आप सब लोगों ने खूब हर्षोल्लास से मनाई होगी। मेरे लिए दिवाली इस बार भी एक विशेष अनुभव लेकर के आई। मुझे एक बार फिर सीमा पर तैनात हमारे जांबाज सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाने का सौभाग्य मिला। इस बार जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाना मेरे लिए अविस्मरणीय रहा। सीमा पर जिन कठिन और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारे सुरक्षा बल देश की रखवाली करते हैं, उस संघर्ष, समर्पण और त्याग के लिए मैं सभी देशवासियों की तरफ से हमारे सुरक्षा बल के सब जवानों को आदर करता हूँ। जहाँ हमें अवसर मिले, जब हमें मौका मिले, हमारे जवानों के अनुभव जानने चाहिए, उनकी गौरव गाथा सुननी चाहिए। हम में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि हमारे सुरक्षा बल के जवान न सिर्फ हमारे बॉर्डर पर बल्कि विश्व भर में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यूएन पीस कीपर बनकर के वे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों 24 अक्टूबर को विश्व भर में यूएन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। विश्व में शांति स्थापित करने के यूएन के प्रयासों, उसकी सकारात्मक भूमिका को हर कोई याद करता है। और हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है। और इसी विश्वास के कारण भारत प्रारंभ से ही यूएन के विभिन्न महत्वपूर्ण इनिशिएटिव में सक्रिय भागीदारी निभाता रहा है। आप लोग जानते ही होंगे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना और यूएन चार्टर की प्रस्तावना दोनों वी द पीपल इन्हीं शब्दों के साथ शुरू होती है। भारत ने नारी समानता पर हमेशा जोर दिया है और यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसका जीता जागता प्रमाण है। इसके इनिशियल फेज में जो प्रपोज किया गया था वह था ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, जिसे भारत की प्रतिनिधि हंसा मेहता के प्रयासों से चेंज कर लिया गया और बाद में स्वीकार हुआ ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। वैसे तो ये बहुत छोटा बदलाव लगता है, लेकिन एक तंदुरुस्त सोच का उसमें दर्शन होता है। यूएन अमरेला के तहत भारत ने जो एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भारत की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा मिशन में भारत हमेशा बड़ी सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। आप में से बहुत लोग हैं जिनको शायद ये जानकारी पहली बार मिल रही होगी, 18,000 से अधिक भारतीय सुरक्षा बलों ने यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में भारत के लगभग 7,000 सैनिक यूएन पीस कीपिंग इनिशिएटिव से जुड़े हैं और यह पूरे विश्व में थर्ड हाईएस्ट नंबर है। अगस्त 2017 तक भारतीय जवानों ने यूएन के विश्व भर के 71 पीस कीपिंग ऑपरेशन में से लगभग 50 ऑपरेशंस में अपनी सेवाएं दी हैं। ये ऑपरेशंस कोरिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, कांगो, साइप्रस, लाइबेरिया, लेबनान, सूडान, विश्व के भूभागों में कई देशों में चले हैं। कांगो और दक्षिण सूडान में भारतीय सेना के हॉस्पिटल में 20,000 से अधिक रोगियों का इलाज किया गया है और अनगिनत लोगों को बचाया गया है। भारत के सुरक्षा बलों ने विभिन्न देशों में न सिर्फ वहां के लोगों की रक्षा की है बल्कि पीपल फ्रेंडली ऑपरेशंस कर उनका दिल भी जीत लिया है। भारतीय महिलाओं ने शांति स्थापित करने के कार्यों में एक अग्रणी भूमिका निभाई है। बहुत कम लोग इस बात की जानते होंगे कि भारत पहला देश था जिसने लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान मिशन में फीमेल पुलिस यूनिट भेजी थी। और देखिए, भारत का यह कदम विश्व भर के देशों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया और इसके बाद सभी देशों ने अपनी अपनी विमेन पुलिस यूनिट्स को भेजने का प्रारंभ किया।
आपको सुनकर के गर्व होगा कि भारत की भूमिका सिर्फ पीस कीपिंग ऑपरेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत लगभग 85 देशों के 85 कंट्रीज के पीस कीपर्स को प्रशिक्षण देने का भी काम कर रहा है। महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध की इस भूमि से हमारे बहादुर शांति रक्षकों ने विश्व भर में शांति और सद्भाव का संदेश पहुंचाया है। पीस कीपिंग ऑपरेशंस आसान कार्य नहीं है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों को दुर्गम इलाकों में जाकर के काम करना पड़ता है, अलग अलग लोगों के बीच रहना पड़ता है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों और अलग अलग कल्चर को जानना समझना पड़ता है, उन्हें वहाँ की स्थानीय जरूरतों माहौल के अनुरूप खुद को ढालना पड़ता है। आज जब हमारे बहादुर यूएन पीस कीपर्स को याद करते हैं तो कैप्टन गुरुबचन सिंह सलारिया को कौन भूल सकता है, जिन्होंने अफ्रीका के कांगो में शांति के लिए लड़ते अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उन्हें याद कर हर देशवासी का सीना गर्व से फूला जाता है। वे एकमात्र यूएन पीस कीपर थे, वीरपुर थे, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमचंद जी उन इंडिया पीस कीपर में से एक हैं जिन्होंने साइप्रस में विशिष्ट पहचान बनाई। 1989 में 72 वर्ष की आयु में उन्हें नामीबिया में ऑपरेशन के लिए फोर्स कमांडर बनाया गया और उन्होंने उस देश की आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की। जनरल थिमैया जो भारतीय सेना के भी प्रमुख रहे ने साइप्रस में यूएन पीस कीपिंग फोर्स को लीड किया और शांति कार्यों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। भारत शांति दूत के रूप में हमेशा से विश्व में शांति, एकता और सद्भावना का संदेश देता रहा है। हमारा विश्वास है कि हर कोई शांति सद्भाव के साथ जिए और एक बेहतर एवं शांतिपूर्ण कल के निर्माण की दिशा में आगे बढ़े। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी पुण्यभूमि ऐसे महान लोगों से सुशोभित रही है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा की है। सिस्टर निवेदिता, जिन्हें हम भगिनी निवेदिता भी कहते हैं, वह भी उन असाधारण लोगों में से एक थी। वह आयरलैंड में मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल के रूप में जन्मी थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उन्हें निवेदिता नाम दिया और निवेदिता का अर्थ है वह जो पूर्ण रूप से समर्पित हो। बाद में उन्होंने अपने नाम के अनुरूप ही अपने स्वयं को सिद्ध करके दिखाया। कल सिस्टर निवेदिता की 150वीं जयंती थी। वे स्वामी विवेकानंद से इतना प्रभावित हुई कि अपने सुखी संपन्न जीवन का त्याग कर दिया और अपने जीवन को गरीबों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सिस्टर निवेदिता ब्रिटिश राज में होने वाले अत्याचारों से बहुत आहत थी। अंग्रेजों ने न सिर्फ हमारे देश को गुलाम बनाया था, बल्कि उन्होंने हमें मानसिक रूप से भी गुलाम बनाने का प्रयास किया था। हमारी संस्कृति को नीचा दिखाकर हम में हीन भावना पैदा करना, यह काम निरंतर चलता रहता था। भगिनी निवेदिता जी ने भारतीय संस्कृति के गौरव को पुनर्स्थापित किया, राष्ट्रीय चेतना जागृत कर लोगों को एकजुट करने का काम किया। उन्होंने विश्व के अलग अलग देशों में जाकर सनातन धर्म और दर्शन के बारे में किए जा रहे दुष्प्रचारों के खिलाफ आवाज उठाई। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी एवं तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती अपनी क्रांतिकारी कविता पुदुमई पेन, न्यू वुमेन और महिला सशक्तिकरण के लिए विख्यात रहे हैं। ऐसा कहा जाता है प्रेरणा भगिनी निवेदिता ही थी। भगिनी निवेदिता जी ने महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का भी सहयोग किया। उन्होंने अपने लेख और सम्मेलनों के माध्यम से बसु के रिसर्च के प्रकाशन एवं प्रचार में सहायता की। भारत की यही एक विशेष सुंदरता है कि हमारी संस्कृति में आध्यात्मिकता और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। सिस्टर निवेदिता और वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु इसके सशक्त उदाहरण है। 1899 में कलकत्ता में भयानक प्लेग हुआ और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। सिस्टर निवेदिता ने अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना नालियों और सड़कों की सफाई का काम आरंभ कर दिया। वह एक ऐसी महिला थी जो आरामदायक जीवन जी सकती थी, लेकिन वह गरीबों की सेवा में जुटी रही। उनके इसी त्याग से प्रेरणा पाकर लोगों ने सेवा कार्यों में उनका हाथ बटाया। उन्होंने अपने कार्यों से लोगों को स्वच्छता और सेवा के महत्व का पाठ पढ़ाया और उनकी समाधि पर लिखा है, हियर
रिपोज़ी सिस्टर निवेदिता हु गेव हर ऑल टू इंडिया। यहाँ सिस्टर निवेदिता विश्राम कर रही हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत को दिया। निसंदेह उन्होंने ऐसा ही किया। उस महान व्यक्तित्व के लिए आज इससे उपयुक्त श्रद्धांजलि और कुछ नहीं हो सकती कि प्रत्येक भारतवासी उनके जीवन से शिक्षा लेकर स्वयं उस सेवा पथ पर चलने का प्रयास करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम डॉक्टर पार्थ शाह है। 14 नवंबर को हम बाल दिन के रूप में मनाते हैं क्योंकि वह हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। उसी दिन को विश्व डायबिटीज दिन भी माना जाता है। डायबिटीज केवल बड़ों का रोग नहीं है, वह काफ़ी सारे बच्चों में भी पाया जाता है। तो इस चुनौती के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपके फ़ोन कॉल के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले चिल्ड्रंस डे बाल दिवस की सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे नए भारत के निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण हीरो हैं, नायक हैं। आपकी चिंता सही है कि पहले जो बीमारियां बड़ी उम्र में आती थी, जीवन के अंतिम पड़ाव के आसपास आती थी, वह आजकल बच्चों में भी दिखने लगी है। आज बड़ा आश्चर्य होता है जब सुनते हैं कि बच्चे भी डायबिटीज से पीड़ित हो रहे हैं। पहले के ज़माने में ऐसे रोगों को राज रोग के नाम से जाना जाता था। राज रोग अर्थात ऐसी बीमारियां जो केवल संपन्न लोगों को, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वालों को ही हुआ करती थी। युवा लोगों में ऐसी बीमारियां बहुत रेयर होती थी, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है। आज इन बीमारियों को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। युवा उम्र में इस तरह की बीमारियां से ग्रस्त होने का एक प्रमुख कारण है हमारी जीवन शैली में फिजिकल एक्टिविटीज की कमी और हमारे खान पान के तरीकों में बदलाव। समाज और परिवार को इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। जब हम इस पर सोचेंगे तो आप देखिएगा कि कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है छोटी छोटी चीजों को सही तरीके से नियमित रूप से करते हुए उन्हें अपनी आदत में बदलने की, उसे अपना एक स्वभाव बनाने की। मैं तो चाहूंगा कि परिवारजन जागरूकता पूर्वक ये प्रयास करें कि बच्चे खुले मैदानों में खेलने की आदत बनाएं। संभव हो तो हम परिवार के बड़े लोग भी इन बच्चों के साथ जरा खुले में जाकर के खेलें। बच्चों को लिफ्ट में ऊपर जाने आने की आदत के बजाय सीढ़ियां चढ़ने की आदत लगाएं। डिनर के बाद पूरा परिवार बच्चों को लेकर के कुछ वॉक करने का प्रयास करें। योगा फॉर यंग इंडिया, योग विशेष रूप से हमारे युवा मित्रों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखने और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचाने में मददगार सिद्ध होगा। स्कूल से पहले 30 मिनट का योग देखिए कितना लाभ देगा। घर में भी कर सकते हैं और योग की विशेषता भी तो यही है, वो सहज है, सरल है, सर्वसुलभ है। और मैं सहज है इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी उम्र का व्यक्ति आसानी से कर सकता है। सरल इसलिए है कि आसानी से सीखा जा सकता है और सर्वसुलभ इसलिए है कि कहीं पर भी किया जा सकता है, विशेष टूल्स या मैदान की जरूरत नहीं होती है। डायबिटीज कंट्रोल करने में योग कितना असरकारी है, इस पर कई स्टडी चल रही हैं। एम्स में भी इस पर स्टडी की जा रही है और अभी तक जो परिणाम आए हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग है। आयुर्वेद और योग को हम सिर्फ उपचार ट्रीटमेंट के माध्यम के तौर पर न देखें, उन्हें हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, खास करके मेरे युवा साथियों, खेल के क्षेत्र में पिछले दिनों अच्छी खबरें आई हैं। अलग अलग खेल में हमारे खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। हॉकी में भारत ने शानदार खेल दिखाते एशिया कप हॉकी का खिताब जीता है। हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और इसी के बल पर भारत 10 साल बाद एशिया कप चैंपियन बना है। इससे पहले भारत 2003 और 2007 में एशिया कप
चैंपियन बना था। पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ को मेरी तरफ से, देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हॉकी के बाद बैडमिंटन में भी भारत के लिए अच्छी खबर आई। बैडमिंटन स्टार किदाम्बी श्रीकांत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए डेनमार्क ओपन खिताब जीतकर हर भारतीय को गौरव से भर दिया है। इंडोनेशिया ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद यह उनका तीसरा सुपर सीरीज प्रीमियर खिताब है। मैं हमारे युवा साथी को उनकी इस उपलब्धि के लिए और भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों, इसी महीने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ। विश्व भर की टीमें भारत आईं और सभी ने फुटबॉल के मैदान पर अपना कौशल दिखाया। मुझे भी एक मैच में जाने का मौका मिला। खिलाड़ियों, दर्शकों, सभी के बीच भारी उत्साह था। वर्ल्ड कप का इतना बड़ा इवेंट, पूरा विश्व आपको देख रहा हो, इतना बड़ा मैच, मैं तो सभी युवा खिलाड़ियों की ऊर्जा, उत्साह, कुछ कर दिखाने के जज्बे को देखकर दंग रह गया था। वर्ल्ड कप का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ और सभी टीमों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भले ही भारत खिताब न जीत पाए, लेकिन भारत के युवा खिलाड़ियों ने सभी का दिल जीत लिया। भारत समेत पूरे विश्व ने खेल के इस महोत्सव को एंजॉय किया और यह पूरा टूर्नामेंट फुटबॉल प्रेमियों के लिए रोचक और मनोरंजक रहा। फुटबॉल का भावी बहुत उज्ज्वल है, इसके संकेत नजर आने लगे हैं। मैं एक बार फिर से सभी खिलाड़ियों को, उनके सहयोगों को और सभी खेल प्रेमियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ भारत के विषय में मुझे जितने लोग लिखते हैं, मुझे लगता है कि उनकी भावनाओं के साथ यदि मैं न्याय करने की सोचूं, तो मुझे हर रोज मन की बात का कार्यक्रम करना पड़ेगा और हर रोज मुझे स्वच्छता के विषय पर ही मन की बात को समर्पित करना पड़ेगा। कोई नन्हे मुन्ने बच्चों के प्रयासों के फोटो भेजते हैं, तो कहीं युवाओं के टीम एफर्ट्स का किस्सा होता है, कहीं स्वच्छता को लेकर किसी इनोवेशन की कहानी होती है, या फिर किसी अधिकारी के जुनून को लेकर आए परिवर्तन की न्यूज होती है। पिछले दिनों मुझे एक बहुत विस्तृत एक रिपोर्ट मिली है, जिसमें महाराष्ट्र के चंद्रपुर किले के कायाकल्प की कहानी है। वहाँ इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन नाम के एक एनजीओ की पूरी टीम ने चंद्रपुर किले में सफाई का अभियान चलाया। 200 दिनों तक चले इस अभियान में लोगों ने बिना रुके, बिना थके, एक टीम वर्क के साथ किले की सफाई का कार्य किया। 200 दिन लगातार, बिफोर और आफ्टर, ये फोटो उन्होंने मुझे भेजे हैं। फोटो देख करके भी मैं दंग रह गया। और जो भी इस फोटो को देखेगा, जिसके भी मन में अपने आसपास की गंदगी को देखकर कभी निराशा होती हो, कभी उसको लगता हो कि स्वच्छता का सपना कैसे पूरा होगा, तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के युवाओं को, उनके पसीनों को, उसके हौसले को, उनके संकल्प को उन जीती जागती तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उसे देखते ही आपकी निराशा विश्वास में ही बदल जाएगी। स्वच्छता का यह भगीरथ प्रयास सौंदर्य, सामूहिकता और सातत्यता का एक अद्भुत उदाहरण है। किले तो हमारी विरासत का प्रतीक है। ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित और स्वच्छ रखने की जिम्मेवारी हम सभी देशवासियों की है। मैं इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के और उनकी पूरी टीम को और चंद्रपुर के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आने वाले 4 नवंबर को हम सब गुरु नानक जयंती मनाएंगे। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु ही नहीं, बल्कि वो जगत गुरु है। उन्होंने पूरी मानवता के कल्याण के बारे सोचा। उन्होंने सभी जातियों को एक समान बताया। महिला सशक्तिकरण एवं नारी सम्मान पर जोर दिया था। गुरु नानक देव जी ने पैदल ही 28,000 किलोमीटर की यात्रा की और अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने सच्ची मानवता का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से संवाद किया, उन्हें सच्चाई, त्याग और कर्मनिष्ठा का मार्ग दिखाया। उन्होंने समाज में समानता का संदेश दिया
और अपने इस संदेश को बातों से ही नहीं अपने कर्म से करके दिखाया। उन्होंने लंगर चलाया जिससे लोगों में सेवा भावना पैदा हुई। इकट्ठे बैठकर लंगर ग्रहण करने से लोगों में एकता और समानता का भाव जागृत हुआ। गुरु नानक देव जी ने सार्थक जीवन के तीन संदेश दिए, परमात्मा का नाम जपो, मेहनत करो, काम करो और जरूरतमंदों की मदद करो। गुरु नानक देव जी ने अपनी बात कहने के लिए गुरुबाणी की रचना भी की। आने वाले वर्ष 2019 में हम गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश वर्ष मनाने जा रहे हैं। आइए हम उनके संदेश और शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। मेरे प्यारे देशवासियों, दो दिन के बाद 31 अक्टूबर को हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती मनाएंगे। हम सब जानते हैं कि आधुनिक अखंड भारत की नींव इन्होंने ही रखी थी। भारत माँ की उस महान संतान की असाधारण यात्रा से आज हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। 31 अक्टूबर को श्रीमती इंदिरा गांधी भी इस दुनिया को छोड़कर के चली गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशेषता ये थी कि वे न सिर्फ परिवर्तनकारी विचार देते थे लेकिन वे इसको कर दिखाने के लिए जटिल से जटिल समस्या का व्यावहारिक हल ढूंढने में काबिल थे। विचार को साकार करना उसमें उनकी महारत थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एक सूत्र में पिरोने की बागडोर संभाली। ये सुनिश्चित किया कि करोड़ों भारतवासियों को एक राष्ट्र और एक संविधान की छत्रछाया में लाया जाए। उनकी निर्णय क्षमता ने उन्हें सारी बाधाओं को पार करने का सामर्थ्य दिया। जहां मान मनोबल की आवश्यकता थी वहां उन्होंने मान मनोबल किया, जहां बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ी वहां बल प्रयोग किया। उन्होंने एक उद्देश्य निश्चित कर लिया और फिर केवल उसी और पूरी दृढ़ता के साथ वो बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। देश को एक करने का यह कार्य सिर्फ वही कर सकते थे जिन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की जहां सभी लोग समान हो। उन्होंने कहा था और मैं चाहूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात सदा सर्वदा हम लोगों के लिए प्रेरणा देने वाली है। उन्होंने कहा था, जाति और पंथ का कोई भेद हमें रोक न सके, सभी भारत के बेटे और बेटियां हैं, हम सभी को अपने देश से प्यार करना चाहिए और पारस्परिक प्रेम और सद्भावना पर अपनी नियति का निर्माण करना चाहिए। सरदार साहब का यह कथन आज भी हमारे न्यू इंडिया के विजन के लिए प्रेरक है, प्रासंगिक है और यही कारण है कि उनका जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश को एक अखंड राष्ट्र का स्वरूप देने में उनका योगदान अतुलनीय है। सरदार साहब की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा जिसमें देश भर से बच्चे, युवा, महिलाएं सभी आयु वर्ग के लोग शामिल होंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप भी रन फॉर यूनिटी आपसी सद्भावना के उत्सव में भाग लें। मेरे प्यारे देशवासियों, दिवाली की छुट्टियों के बाद नए संकल्प के साथ, नए निश्चय के साथ आप सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फिर एक बार जुट गए होंगे। मेरी तरफ से देशवासियों को उनके सभी सपनों साकार हो ये शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।